ये बची हुई रोटी का नाश्ता इतना बढ़िया लगता है कि इसके आगे आप सारा नाश्ता भूल जाएंगे। कई नाश्तों के साथ में अगर आप इसको रख दीजिए तो सब लोग इसी को खाएंगे, इतना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है ये। बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है, खाने में सभी को बहुत बढ़िया लगेगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे रात की बची हुई चार रोटियां ली हैं। इसको पहले तवा पे रख के हम क्रिस्पी कर लेंगे। इस तरह से तवा पे रख के इसको इस तरह से प्रेस कर करके इसको क्रिस्पी कर लेंगे। दोनों साइड से ऐसे पलट दिया करेंगे। इस तरह से मैंने इसको क्रिस्पी कर लिया है। तो इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे इस तरह से करके, और एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसको बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बारीक कर लिया है। तो इसको एक बाउल में खाली कर लेंगे। रोटी जितना ज्यादा क्रिस्पी होगा ये उतना ही ज्यादा बारीक होगा। इसमें अब हम बाकी का सामान मिलाएंगे। इसमें डाल देंगे एक चम्मच चावल का आटा, आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आधा चम्मच चाट मसाला मैंने डाल दिया है। 3 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई और थोड़ा सा अदरक घिसा हुआ, छोटे टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पत्ती छोटे टुकड़ों में कटी हुई, और एक छोटा प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। और मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज का आलू लिया है उबला हुआ। तो पहले हम 2 आलू डालेंगे, जरूरत पड़ेगी तो एक और लेंगे, और हाथ से इसको मैश करेंगे। ये देखिए ये भी आलू ले लेंगे क्योंकि सूखा लग रहा है। आप अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो लहसुन प्याज स्किप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। तो अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसमें से छोटा छोटा लेंगे, जितने साइज का आपको बनाना है उतना ले लीजिए, और इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से करके प्लेट में रखते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने बना लिया है, और थोड़ा सा मैं गोल गोल भी बना ले रही हूँ। शेप आप अपनी पसंद अनुसार रख सकते हैं, कोई भी शेप में रखिए। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहेगा ये, क्योंकि हम इसमें चावल का आटा डाले हैं और रोटी भी है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर आपके घर में जब भी रोटियां बचेंगी तो आप इसी तरह से नाश्ता बनाएंगे। इस तरह से मैंने देखिए बना लिया है, कुछ गोल बनाया है और कुछ लंबा बनाया है। तो इसको हम कम ऑयल में भी बनाएंगे और डीप फ्राई भी करेंगे। आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो अब एक पैन लेंगे, गैस ऑन करके पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल देखिए गरम हो गया है, तो इसको अब हम ऐसे पैन में डालेंगे। गोल वाला भी डाल देंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पे इसको घुमाते रहेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। गैस फ्लेम को मीडियम रखेंगे। देखिए क्रिस्पी होना शुरू हो गया है। जिधर से आपको लग रहा है कि क्रिस्पी नहीं हुआ है, कलर नहीं चेंज हुआ है, तो उसको इस तरह से पलट दीजिए। मैंने बचे हुए दाल चावल की रेसिपी भी डाली है चैनल पे, वो भी बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर दाल चावल बच जाए तो आप उस तरह से बना सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं।
बची हुई रोटी का नाश्ता इतना बढ़िया लगता है कि इसके आगे आप सारा नाश्ता भूल जाएंगे। कई नाश्तों के साथ में अगर आप इसको रख दीजिए तो सब लोग इसी को खाएंगे, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ये। तो ये देखिए बढ़िया से क्रिस्पी हो गया है और इसका कलर भी सब तरफ से चेंज हो गया है, तो इसको अब हम निकाल लेंगे। अब हम डीप फ्राई करेंगे, तो इसके लिए मैंने तेल पहले से गरम कर लिया है, ऐसे करके इसमें डाल देंगे। तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। इसको भी इसी तरह से कलर चेंज हो जाने देंगे और क्रिस्पी हो जाने देंगे, फिर निकाल लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया है, क्रिस्पी हो गया है, तो निकाल लेंगे। तो ये देखिए रात की बची हुई रोटी से कितना बढ़िया नाश्ता बनके तैयार हो गया है। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये रात की बची हुई रोटी से बना है। ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप चाहें तो कम तेल में इस तरह से बना सकते हैं या तो डीप फ्राई करके इस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ एक। ये देखिए ऊपर से कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना खस्ता है। तो अगर आपको मेरी ये बासी रोटी से बना हुआ नाश्ता पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।